हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हम कक्षा सातवीं में व्याकरण में संधि के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, हम संधि के स्वर के भेदों के बारे में बात कर रही थी, हम स्वर संधि के भेद। हम उसका पहला भेद दीर्घ संधि पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम दूसरा भेद उसका गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा गुण संधि। गुण संधि किसको कहते हैं कि अ या आ, यानी पूर्व पद के अंत में अ या आ इन दोनों में से कोई भी हो और उत्तर पद के शुरुआत में ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री ली, ये चाहे ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाता है। अब बेटा क्रमशः का मतलब क्या है? क्रम से, कि ई को क्रम से क्या है ए हो जाएगा, ऊ को ओ गुण, री को अर गुण और री को क्या है अल गुण हो जाता है। तो देखिए बेटा, हम उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले सुर प्लस इंद्र, देखिए र में अ और उत्तर पद में क्या है ई, तो अ और ई को क्या है ए गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा सुरेंद्र। इसी प्रकार बेटा रमा प्लस ईश, क्योंकि जब हम कर रहे थे तो डेफिनेशन में हमने क्या कहा था अ या आ, तो यहाँ सुर में र में अ और रमा में क्या है आ है, तो रमा प्लस ईश। और हमने कहा था कि उत्तर पद के आरंभ में क्या है ह्रस्व या दीर्घ, यानी ये ई ह्रस्व हो या दीर्घ हो और आ और ई दोनों के स्थान पर क्या है ए गुण हो जाएगा और क्या बनेगा हमारा रमेश है। इसी प्रकार बेटा सूर्य प्लस उदय, अब य में अ और उत्तर पद में क्या है ऊ, तो अ और ऊ मिलकर क्या है ओ गुण हो जाते हैं और क्या बनेगा शब्द हमारा सूर्योदय। इसी प्रकार बेटा गंगा प्लस उद्गम, कि यहाँ हमने अ की बात की और यहाँ हम आ की बात कर रहे हैं, तो गंगा प्लस उद्गम आ और ऊ दोनों मिलकर क्या है ओ गुण बनाएंगे, तो क्या बनेगा गंगोद्गम। इसी प्रकार बेटा हमने कहा था कि देव प्लस ऋषि, व में अ और ऋषि का री, री और अ दोनों मिलकर क्या है अर्गुण करते हैं, इसलिए देवर्षि। अब देवर्षि बेटा जो अ है वो व में मिल गया और र आधा है, इसलिए वो बीच में लिखा नहीं जाएगा और उस र को क्या है हमने ऊपर लिख दिया, तो क्या बन गया देवर्षि। इसी तरह बेटा वर्षा प्लस ऋतु, अब वर्षा प्लस ऋतु यहाँ श में आ और री, आ और री दोनों मिलकर क्या है अर्गुण करते हैं, तो बेटा वर्ष, श में अ मिला वर्ष पूरा और री का र बन गया और र ऊपर चला गया, तो क्या बन गया वर्ष ऋतु। इसी तरह बेटा तव प्लस ऋकार, अब हमने व में अ और ऋकल दोनों मिलकर क्या है अल गुण करेंगे और व में अ और ऋकल अल हो गया, लेकिन बेटा जो अ था अल का वो व में मिल गया और ल आधा रह गया, क्योंकि ल के बाद कोई स्वर नहीं है, इसलिए वो ल क्या है आधा लिखा जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा त्वलकार है। ये थी बेटा हमारी गुण संधि और इसके बाद नेक्स्ट है हमारी वृद्धि संधि। तो बेटा देखिए वृद्धि संधि क्या कहती है कि अ या आ के बाद, यानी पूर्व पद के अंत में अ या आ दोनों में से कोई भी हो और उत्तर पद के आरंभ में ए या आई इन दोनों में से कोई भी आ जाए, तो उसको क्या है आई वृद्धि हो जाती है, और अ या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो उन दोनों के स्थान पर क्या है अवृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि क्या है बेटा हमारी, आई और औ क्या है दोनों वृद्धि हैं, और ये कब होती हैं जब अ या आ के बाद ए या आई आ जाए तो आई और ओ या औ आ जाए तो वहाँ अवृद्धि होती है। उदाहरण देखते हैं बेटा हम कि तव प्लस एव, अब व में अ और एव का ए, यानी अ और ए दोनों मिलकर क्या है अभिवृद्धि कर रहे हैं, तो बना त्वैव। इसी प्रकार बेटा तथा प्लस एव, देखिए तथा थ में आ और उत्तर पद के आरंभ में ए, आ और ए दोनों मिलकर क्या है अभिवृद्धि कर रहे हैं, तो क्या बनेगा तथैव। इसी तरह से बेटा मत प्लस ऐक्यम, क्योंकि हमने ए और आई दोनों में से कोई भी कहा था, तो मत प्लस ऐक्यम, त में अ और आई दोनों मिलकर क्या है अभिवृद्धि कर रहे हैं, तो क्या बनेगा मतैक्यम। इसी तरह बेटा महा प्लस ऐश्वर्यम, अब ह में आ और आई दोनों मिलकर क्या है अभिवृद्धि करते हैं, तो क्या बन जाएगा बेटा हमारा महेश्वर्यम। ध्यान रखेंगे बेटा त में अ है और यहाँ आ है, लेकिन यहाँ अ और आ का कोई वो नहीं है, अभिवृद्धि करनी है हमें, ठीक है।
इसी प्रकार बेटा देखिए वन प्लस औषधि, अब न में अ और उत्तर पद में क्या है ओ, तो अ और ओ मिलकर क्या है अवृद्धि करेंगे तो क्या बन जाएगा वन औषधि। इसी तरह बेटा महा प्लस औषधि, ह में आ और औषधि का ओ दोनों मिलकर अवृद्धि करेंगे तो क्या बन जाएगा महौषधि। इसी तरह से बेटा मम प्लस औदार्यम, अब म में अ और उत्तर पद की शुरुआत में क्या है औ, अ और औ मिलकर क्या है अवृद्धि करेंगे तो क्या बन जाएगा मम औदार्यम। इसी तरह से बेटा महा प्लस औत्सुक्यम, ह में आ और औ दोनों मिलकर क्या है अवृद्धि करेंगे तो क्या बन जाएगा महोत्सुक्यम। ये थी हमारी वृद्धि संधि। बेटा इनके नियमों को अगर हम सही प्रकार से प्रयोग करेंगे तो हमें संधि बिल्कुल आसान लगेगी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी हमारे लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये चीज़ें समझ कर करोगे। धन्यवाद।